ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे वालद ने हम तीनों बहनों को पढ़ाया, बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी की मेरे वालद साहब ने। मेरी बड़ी बहन ने मैट्रिक किया, TCF वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में आई, सिलाई सीखी। फिर मेरी छोटी सिस्टर आई, जब वो कर रही थी तो मैं कहती थी मैं भी इनके साथ मिलूं और इनके साथ करूं। फिर मैंने 3 महीने कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम तीनों बहनों ने मिलकर ऑर्डर का काम किया, जिसमें यूनिफॉर्म थे, डॉक्टर कोट थे और दुपट्टों पर कढ़ाई वगैरह का काम हम लोगों ने किया। जब उसके जब पैसे मिले तो मेरे वालद साहब बहुत खुश हुए, हमारे घर के काफ़ी हालात बेहतर हो गए थे। फिर मेरी वालदा को शुरू से शौक़ था कि मैं अपनी बच्चियों को ना ये सिलाई वाला हुनर तो ज़रूर दूंगी, क्योंकि बच्चियों पे बुरा वक्त आते वक्त कोई पता नहीं लगता, बता के नहीं आता कि बुरा वक्त कब आ जाता है। इससे अच्छा है कि बंदा सिलाई घर पर बैठ के कर ले, लोगों के बर्तन वगैरह धोने या लोगों के घरों में काम करना और लोगों की बातें सुनना तो ये अच्छा नहीं लगता इंसान को। और वैसे भी हमारे पहले बाहर नहीं निकालते थे, घर में बच्चियों को रखते थे और कहते थे बाहर नहीं जाना। तो जब मेरे वालिद साहब ने हमें भेजा तो काफ़ी लोगों को इतराज़ था कि आप अपनी बच्चियों को बाहर भेज रहे हैं तो क्यों भेजा है, मेरे वालिद साहब कहते थे, लेकिन नहीं, मुझे अपनी बच्चियों को सारे काम करवाने हैं। मेरी बड़ी सिस्टर हैं मेरे वालिद साहब के, वो खुद कपड़े सिलाई करती हैं। मेरा चाचू ताए सब के वो कपड़े सिलाई करती है। पहले हम वो टेलर के पास जाते थे, हमारे मोहल्ले में भी शादियाँ थी तो हम उनके कपड़े सिलाई हम लोगों ने खुद किए हैं, तीनों बहनों ने मिलकर कपड़े सिलाई किए हैं। कभी हमारे मोहल्ले से बच्चियों के कपड़े जाते हैं, कभी बच्चों के, कभी मर्दों के, तो कभी औरतों के, सबके मिल के कपड़े हम लोग सिलाई कर लेती हैं। और मेरी बहुत कोशिश होती है कि अच्छा से अच्छा काम करूं। तो हमारी टीचर ने भी यही सिखाया कि अच्छे से अच्छा काम हो, ऑर्डर वर्क में इतना काम होता है तो, लेकिन हमारी एक छोटी सी भी गलती हो तो हमारी टीचर फौरन देख लेती है कि बच्चे ये गलती है तो आप इसे दुरुस्त करें, इसे दोबारा करें, यहाँ से सिलाई करें। हम अक्सर ये भी कहते थे टीचर कोई बात नहीं, ऑर्डर वर्क में कौन से इतना पता चलना है, तो इतना तो होया ज़्यादा काम। तो टीचर कहती नहीं, तो ईमानदारी से हमने करना है। हमारे वालदैन भी ये कहते हैं बच्चे जो भी काम करना है ईमानदारी से करना है। सिलाई सीखने का मुझे फ़ायदा यह हुआ है, तो नेट से मैं जो भी देखती हूँ डिज़ाइनिंग फ्रॉक, लेडीज़ फ्रॉक ही देखती हूँ, कोई शलवारें वगैरह देखती हूँ, तो सबसे पहले मैं खुद पे ट्राई करती हूँ वो बना के, तो खुद पे पहनती हूँ। कढ़ाई का कोई अच्छा डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है तो वो मैं फौरी करना बैठ जाती हूँ कि मुझे ये करना है तो करना है, बेशक मुझे मुश्किल लगे कि आसान लगे, लेकिन वो मैं करके रहती हूँ। मेरा शौक तो यही है कि मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ और भी अच्छा काम करूँ कि ताकि टीचर की हेल्प लूँ और दूसरों को भी सिखाऊँ और टीचर वाली सीखना।